अब निकल चुके हैं दूल्हे राजा अपनी गद्दी से बाहर, गद्दी यहीं तक थी, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से गाड़ी मिल जाएगी। पैदल थोड़ा सा ट्रैक करके जाना पड़ेगा। हमारा पेट्रोल खत्म हो गया था और यहाँ कोई मदद करने के लिए राजी नहीं था, तो हमें ना रास्ते पे भैया मिले। भैया यार अपनी बाइक से पेट्रोल दे रहे, यार बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों अब निकलने वाली है बारात सारकोट गांव से मिहल चौरी की, और पता नहीं गांव तो कौन सा है। और हमारी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो रखा है तो हम भी पेट्रोल भरेंगे। धर्म भाई ने पेट्रोल मंगा रखा है, किसके पास मंगा रखा है ये तो पता नहीं है। हम भी तो निकलते हैं यहाँ से, तो चलते हैं ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। एम सुरेन भी स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड के गैरसैन से और सारकोट गाँव से। तो दीपक भाई पे सुस्ती फैल रखी है, सिगरेट की डब्बी रखी है, खाली करने पे लगे हैं बस। तो हमारा फोन कुछ भी चार्ज नहीं था। अब बारात भी निकलने वाली है और यहाँ पे बैकग्राउंड में कॉपीराइट म्यूजिक बज रहे हैं। दूल्हे को भी डोली में ले जाते हैं, तो यहाँ ना शादी में चीनी लेके भी आते हैं। तो जब हम कल यहाँ आए थे तो यहाँ शादी में चीनी ला रहे थे, बल्कि हमारे यहाँ क्या है कि जहाँ कोई ख़त्म होता है ना तो वहाँ पछतावा देने के लिए चीनी ले जाते हैं, और यहाँ शादी में चीनी लेके आते हैं। तो ये भी मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। हम रात भर हंसी रहते दोनों के दोनों, हमारी हंसी का राज ही कुछ अलग है। देखो यहाँ पे घोड़े भी आ चुके हैं और इस साइड को। तो अभी बारात हो चुकी है रेडी जाने के लिए, और मैंने दीपक भाई को ऊपर रोड में भेज रखा है क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो रखा था। हम जा रहे थे वहाँ ऊपर, वहाँ से आए और फिर ये रहा धर्मू भाई का घर यहाँ पे। तो दीपक जा रहा है ऊपर और बारात भी निकलने वाली है। चलो एंजॉय करो, हम यहाँ से नीचे चलते हैं रोड में। अब निकल चुके हैं दूल्हे राजा अपनी गद्दी से बाहर, गद्दी यहीं तक थी, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से गाड़ी मिल जाएगी। पैदल थोड़ा सा ट्रैक करके जाना पड़ेगा। धर्मो भाई एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। यार हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया था और यहाँ कोई मदद करने के लिए राजी नहीं था, तो हमें ना रास्ते पे भैया मिले।
भैया यार अपनी बाइक से पेट्रोल दे रहे यार, बहुत बड़ी बात है। हमारा तो आंसू आ गए थे, आंसू मरोड़ा से न्यूट्रल है नीचे को। तो भैया यार देखो पेट्रोल दे रहे अपनी बाइक से। भैया आपका नाम? अरे चल नाम नूम छाड़ यार, भूली कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यार। अब आ रही है जान शरीर में कसम से यार, क्योंकि यहाँ कोई मदद ही नहीं कर रहा था यार कसम से। भैया मिल गए रास्ते में, बहुत बहुत धन्यवाद यार। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा, एक बार ऑफलाइन भी धन्यवाद बोलूँगा। कल हमने जिस ढाबे पे खाना खाया था आज उसी ढाबे पे हम खाना खाएंगे। तो पहुँच चुके हैं हम नागचोला खाल, और यहाँ से ब्यासी कितना होगा पता नहीं भाई, तो ब्यासी होगा यार, 50 तक तो होगा ही होगा भाई। बहुत बैजरो यहाँ से 70 लिखा हुआ है, तो 50 तक तो होगा ही होगा। तो ये है नागचोला खाल मार्केट, और यहाँ से हमें निकलना है ब्यासी की तरफ, और भाई को निकलना है कुचोली गांव तरपादी सैन। तो कल हमने यहाँ पे खाना खाया था, आज यहाँ पे खाना खाएंगे फिर से और फिर निकलेंगे। ये है नागचोला मार्केट, ये देखो। तो दोस्तों ये है नागचोला मार्केट, ये देखो नागचोला मार्केट से कौन कौन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये देखो काफ़ी प्यारी मार्केट है। यहाँ के लिए बस आती तो है थैली सैन से नागचोला के लिए, और यहाँ पे है बस स्टॉप, वो देखो यहाँ पे इस साइड को। तो यहाँ पे खाएंगे हम लोग खाना, और फिर यहाँ से निकलेंगे हम थैली सैन के लिए। दीपक भाई का गांव तो थोड़ा दूर है, तो उनको टाइम हो जाएगा, पता नहीं शॉपिंग कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए शायद। चलो चलते हैं और देखते हैं क्या कर रहे हैं। खाने के लिए हमने ऑर्डर कर रखा है आगे होटल पे। बाकी ये पहुंच गए हम, क्या ले रहे हो? भाई प्लीज ये मत डालना, ठीक है? अरे इधर पैर नहीं पड़ने मेरे, क्यों कुछ ऐसी चीज है क्या? एक बार बोल दो क्या ले रहे हो बस, उसके बाद मैं चले जाऊंगा। क्या सेंट ले रहा हूं मैं? ओके ओके, तो फिर मैं गया, मैं ढाबे पे हूँ, ठीक है आ जाओ। तो पता नहीं क्या ले रहे हैं वो, तो अब जब मुझे बताएंगे तब मैं बताऊंगा। तो चलो यार अपना खाना रेडी हो चुका है। काफ़ी टाइम हो चुका है, और मैं दीपक भाई को बोल रहा हूँ यहीं रुकते हैं आज, मेरे गांव चलते हैं। तो दीपक भाई मना कर रहे हैं, सख्त मना कर रहे हैं। मैंने कहा चलो थैली सैन चलते हैं, लॉज लेते तफरी मारते हैं, तो उस काम के लिए भी मना कर रहे हैं। तो दीपक भाई चलो फिर मिलते हैं कभी, और ना मेरा एडेप्टर लेके जा रहे हैं, तेरा घर जाएगा, तेरा घर जाएगा मेरा एडेप्टर। ये क्या हो रहा है? ये जान ठीक है, मैं लगाने बस बस इन्हें सही च अब डाल दो। टाइम हो चुका है यार 5:30। दीपक भाई अभी भी हैं और बोल रहे हैं कि ऊब कर दे थोड़ा, बस 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 चलता हुआ। ओके भाई चलो चलो सर, मिलते हैं फिर, मिलते हैं चल हैं ब्यासी। चलो फिर दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। तो अगर ज़्यादा ही अच्छा लगा तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।